हेलो एवरीवन, आई एम उषा भाटिया। हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा भाटिया इंग्लिश लिटरेचर स्टडी एंड ग्रामर स्टडी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके रूल हैं एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वॉज वर कर्ता के अनुसार, मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसी के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, अब हम इसके बनाएंगे एग्जांपल्स। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस। ही हेल्प्ड मी। ओके, इट मीन्स उसने मेरी मदद की। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम। ओके, मी को आई में चेंज कर दिया, वॉज आएगा, हेल्प्ड हेल्प थर्ड फॉर्म हो गई, बाई का यूज होगा और हिम आ गया। ओके, अब सेकंड एग्जांपल है, इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। वैसे तो नेगेटिव में भी बनते हैं, नेगेटिव में हम बना देंगे ही डिड नॉट हेल्प मी, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, इस तरह बन जाएगा। बट मोस्टली अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे बन गया हमारा दूसरा एग्जांपल। डिड यू स्वीप द फ्लोर? ओके, इट मीन्स क्या आपने फर्श साफ किया? तो इसका पैसिव, ये तो हमारा एक्टिव था, अब इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वॉज द फ्लोर स्वेप्ट by you। ओके, अब थर्ड एग्जांपल है हमारा एक्टिव वॉइस का। व्हाट डिड यू ईट टुडे?
मीन्स आज आपने क्या खाया, इसका पैसिव वॉइस बन गया व्हाट वॉज ईटन टुडे बाय यू, मीन्स आज आपके द्वारा क्या खाया गया। ओके अब हम फोर्थ एग्जांपल बना देंगे इसका, हु ब्रोक द जग, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल बना देंगे, हु ब्रोक द जग मीन्स जग किसने तोड़ा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा बाय हुम वॉज द जग ब्रोकन। ओके तो इस तरह से हमारे पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।